बिहार के महापर्व छठ को लेकर पटना नगर निगम की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री बांकुरी पूर्व के विधायक नितिन नवीन वहां गंगा गांधी घाट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने चलते हुए कई घाटों का निरीक्षण किया और देखा कि छठ पूजा को लेकर कहां पर कितना काम हुआ है और कितना काम अधूरा रह गया है, क्योंकि गंगा किनारे छठ का जो कार्यक्रम है वो भव्य तरीके से होता है, ऐसे में कोई कमी न रह जाए इसको लेकर नितिन नवीन ने निरीक्षण किया। वहीं मंत्री नितिन नवीन ने घाटों का जायजा लेने के बाद कहा कि जो घाट खतरनाक होगा उसे पीपा पुल के माध्यम से घाट बनाने की कोशिश करेंगे और अपील की कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए लोग ज्यादा से ज्यादा घर पर ही छठ की पूजा करें, जिससे संक्रमण से राज्य और देश में संक्रमण से निजात मिल सके। तो ऐसे में छठ पूजा की बिहार में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पटना में विधायक ने गंगा घाटों का ये निरीक्षण किया और ऐसे में तैयारियों का जायजा लिया कि किस तरह से वहां पर तैयारियां की जा रही हैं और कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, कितनी तैयारियां अधूरी हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष वहां पर पहुंचते हैं पूजा अर्चना के लिए। छठ पूजा जब होगी तो काफी भारी संख्या में भीड़ गंगा घाटों पर नजर आएगी। एक हफ्ते के अंदर उसकी पूरी जानकारी हो जाएगी, तब हम लोग घाटों पर पूरी निर्णय ले पाएंगे। साथ ही साथ अभी जो है दो व्यवस्था है, अगर पानी छोर में भी वैसे ही घाट खतरनाक नजर आए तो हम लोग डोजर से कटिंग करके यहाँ पर घाटों को लाने का प्रयास करेंगे। अगर पानी वहाँ का घाट अच्छा बना तो हम लोग पीपा पुल के माध्यम से लोगों को वहाँ पर व्यवस्था करेंगे। फिर भी लोगों से यही अपील है कि अधिक से अधिक घरों पर छठ करें, ताकि कोविड से इस राज्य को, इस देश को हम लोग बचाए कर लें। हरदोई में मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के अवसर पर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री और औद्योगिक मंत्री सतीश महाना ने विपक्ष को रिजेक्टेड विपक्ष बताते हुए कहा कि विपक्ष के पास आज वही लोग हैं जो बीजेपी से बाहर हैं, बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया है, ये लोग केवल भानुमति का कुनबा जोड़ रहे हैं, इसीलिए कभी इस दल से कभी उस दल से हाथ मिलाते हैं। प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूछे गए कांग्रेस और सपा के गठबंधन पर कहा कि सपा और कांग्रेस कभी किसी दल के से हाथ नहीं मिलाते, कभी किसी दल के साथ जाते हैं तो कभी किसी दल के साथ जाकर हाथ मिला लेते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सिद्धार्थनगर से उत्तर प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज का एक साथ लोकार्पण किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत ये मेडिकल कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डॉक्टर्स की टीम, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम, मेडिकल फैकल्टी के जो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आज की तारीख में, उस और एक बहुत बड़ा कदम होगा उसकी पूर्ति के लिए। बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी आम नागरिक को, और जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है स्वास्थ्य से संबंधित, आज उस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। आईएएस नेहा प्रकाश ने जिलाधिकारी श्रावस्ती के तौर पर चार्ज ले लिया है। आपको बता दें, चार्ज लेते ही जिलाधिकारी ने विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए, साथ ही जिले में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से कोई भी वंचित न रहे इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी का सख्त तेवर देख जिले के निष्क्रिय अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। तो आईएएस नेहा प्रकाश ने जिलाधिकारी के तौर पर चार्ज ले लिया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं जब वो चार्ज लेने के लिए वहां पर बैठी, और ऐसे में सख्त तेवर देख कर अधिकारियों में हड़कंप तो मच ही गया, साथ ही साथ उन्होंने सभी को दिशा निर्देश भी जारी करे, और ऐसे में जिले में सरकार की जल कल्याण योजनाओं से कोई भी पात्र न रहे वंचित इसके लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। अगले दो दिनों तक तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मंगलवार को भारी बारिश को लेकर
तूतीकोरिन और रामनाथपुरम के जिलों में का नाम लिया है और ये जानकारी आईएमटी के डायरेक्टर जनरल एस बालचंद्रन ने सोमवार को दी है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पिछले दिनों हुई हल्की बारिश और ओलावृष्टि ने राजस्थान में तापमान कम कर दिया है और अब आने वाले दिनों में भी दिन और रात में के तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश में करीब 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने केरल के 4 जिलों में 26 अक्टूबर के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। 4 जिले जिसमें कोल्लम, पटना, कोट्टयम और इडुक्की में ये अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा जारी पुनः अनुमान के अनुसार तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में 29 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं केरल और कर्नाटक में आज और कल यानी कि 27 अक्टूबर को बारिश की संभावना है। साथ ही आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में 28 और 29 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना है। तो अभी भी लगातार देश के कई राज्यों में कई हिस्सों में बारिश का दौर अभी भी जारी है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है तमिलनाडु कर्नाटक में, जहां पर आज और कल भारी बारिश हो सकती है। रविवार की झमाझम बारिश से फिलहाल भले ही दिल्ली एनसीआर के लोग साफ हवा में सांस ले पा रहे हो, लेकिन 2-3 दिन में ही ये राहत खत्म हो जाएगी। एक बार फिर सांसों का आपातकाल लगने का समय आ गया है। दरअसल बुधवार से ही एयर इंडेक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा और ऐसे में सप्ताह के खत्म होने तक ये खराब श्रेणी में पहुंच जाएगा। इसके बाद फिर इसमें लगातार इजाफा होगा और सफर इंडिया ने 1 से 20 नवंबर तक की समय अवधि को दिल्ली एनसीआर के लिए बेहद ही चिंताजनक बताया है। इस दौरान एयर इंडेक्स गंभीर श्रेणी में भी पहुंच सकता है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में दिवाली इस बार भी दम घोटू हवा में ही मनेगी। इस साल अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक भी प्रदूषण नियंत्रण में रहा तो इसकी वजह मौसम की मेहरबानी ही रही है। देर तक सक्रिय रहे मॉनसून से धूल प्रदूषण भी नियंत्रण में था और पराली भी अपेक्षाकृत कम जली, लेकिन सोमवार को देश भर से मॉनसून विदा हो गया और अगले 10 दिनों तक किसी भी पश्चिमी विक्षोभ या बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। पराली जलाने की घटनाओं में भी अब तेजी से इजाफा होगा और ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से हवा की दिशा भी पूर्वी और उत्तर पूर्वी से उत्तर पश्चिमी तक हो जाएगी। इसके साथ ही पहाड़ों की ठंडक और पराली का धुआं दोनों दिल्ली तक पहुंचेगा और हवा की रफ्तार भी 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि कम रहेगी। दिवाली पर अगर थोड़े बहुत भी पटाखे जले तो हवा की गुणवत्ता और ज्यादा खराब हो जाएगी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद जहां पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी और अन्य दलों से गठबंधन करके बीजेपी को यूपी में हराने की बात कहते दिख रहे थे, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता किसी भी दल के साथ गठबंधन की संभावनाओं से सीधे तौर पर इनकार कर रहे हैं। वहीं बेखत में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा में मीडिया से बातचीत के दौरान जहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने अपनी सपा ज्वाइन करने की खबरों को फर्जी करार दिया, तो वहीं उन्होंने सपा को यूपी का सबसे बड़ा दल मानते हुए कहा कि सपा की जिम्मेदारी बनती है कि यूपी में सुशासन के लिए सभी दलों को एक होना चाहिए। देखिए, हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश से कुशासन की समाप्ति हो और एक सुशासन की स्थापना हो, और कांग्रेस हमेशा दलितों का, पिछड़ों का, अगड़ों का या किसी और वर्ग का बात अकेले नहीं करती। कांग्रेस ने हमेशा भारतीयता की बात की है और केवल भारतीयता के लिए लड़ने का काम करती है। कांग्रेस किसी जाति धर्म विशेष की ना पार्टी है, ना जाति धर्म विशेष के नाम के ऊपर हम राजनीति करते हैं। और इसीलिए प्रियंका जी ने जब प्रतिज्ञा की बात आई तो प्रतिज्ञा के अंदर नौजवान की बात है, किसान की बात है, मजदूर की बात है, गरीब की बात है, प्रदेश के विकास की बात है। परिवर्तन तो शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं कि अभी प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर आवाम में जा कर के, जनता के दरमियान जा कर के सरकार को चुनौती दी,
और सरकार को उनकी बहुत बातें माननी भी पड़ी हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो परिवर्तन है वो तो शुरू हो गया है। आज हमने एक बात कही जो हमें अभी आचार्य जी ने बताया, ये जो कुछ पॉइंट्स आज बताए गए हैं, इसमें एक सवाल है जो आप में से किसी ने पूछना ही था, मैं पहले से ही जवाब दे देता हूँ कि भाई ये इस बात की क्या गारंटी है कि ये सब पूरे होंगे। प्रदेश सरकार शिक्षण कार्य को हाईटेक करने के लिए भारी भरकम बजट खर्च कर रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते छात्रों को दूसरी बिल्डिंग में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। ताजा मामला गोंडा के राजकीय हाई स्कूल का है, जहां पर बिल्डिंग तो बनकर तैयार है, लेकिन कार्यदायी संस्था की ओर से विभाग को हैंडओवर न करने के चलते छात्रों को दूसरी बिल्डिंग में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। तो गोंडा की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर देख सकते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग तो बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से हैंडओवर नहीं की गई है, जिसकी वजह से बिल्डिंग बनने के बाद भी छोटे छोटे बच्चों को दूसरी जगह पर बैठने को बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। हमारी बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हुई है, इसलिए जूनियर की बिल्डिंग में हम लोग बच्चों को बैठा रहे हैं। कितने अध्यापक आपके यहाँ हैं? यहाँ 4 अध्यापक हैं हमारे यहाँ। क्या कारण है अभी और टीचर नहीं आए, आप अकेले ही हैं? नहीं आ रहे हैं, ओवर हो गया है? नहीं आ रहे हैं, सब रास्ते में हैं, अभी फोन हुआ आ रहे हैं सब। आपने 3 पहलू बताए कि एक राजकीय हाई स्कूल जो कुलवा है, वास्तव में इसकी कार्यदायी संस्था REDE है, और REDE के द्वारा अभी तक जो हैंडओवर के लिए हमको जूनियर हाई स्कूल दिए गए हैं वो 3 उन्होंने बताया है कि कम्प्लीट है। उनके लिए तकनीकी समिति हमारे द्वारा जिलाधिकारी से गठित करा दी गई है, आफ्टर तकनीकी समिति हम लोग हैंडओवर करते हैं। क्योंकि ये विद्यालय जब शुरुआत होती है तो प्रारंभ में जूनियर हाई स्कूल में ही कक्षाएं चलती थी, तो उसी तरह चल रही हैं। दूसरा पहलू, जो टीचर नहीं आ रहे हैं तो उसके संबंध में हम लोग अब औचक निरीक्षण कराएंगे, क्योंकि या तो एविडेंस जो है आप हमें दे दीजिए तो हम उसको जो है कार्रवाई करेंगे, उस पर कोई किसी को छूट नहीं है। ये तो कौन सा विद्यालय है ये, और क्यों अपनी बिल्डिंग में ना पढ़ करके जूनियर विद्यालय में पढ़ रहे हैं? ये विद्यालय राजकीय हाई स्कूल कुल्हुआ मुजहना गोंडा, वो बिल्डिंग अभी सफाई नहीं हुई, वो चालू हो जाएगी, उसी में बैठेंगे। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ दौरे पर जा रहे हैं, और पीएम के केदारनाथ दौरे को लेकर तैयारियां काफी तेज हो चुकी हैं। केदारनाथ धाम में पीएम के दौरे को देखते हुए धाम को सजाया सवारा भी जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि करीब 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम मोदी केदारनाथ में करेंगे। वहीं भव्य केदारपुरी का निर्माण भी केदारनाथ में हो रहा है, और ऐसे में शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। तो ऐसे में 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंच रहे हैं, जिनके आगमन को लेकर तैयारियां काफी जोरों पर चल रही हैं और बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। देखिए, हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि अभी पूरी तरह से स्थितियां सामान्य हों, और उसी काम में हम लोग लगे हुए हैं। लोगों को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचे, लोगों की सहायता हो, उस काम को लगातार हमारा जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन अधिकारियों को भी साथ हमने कहा है, लगातार उसके लिए बैठते हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने लगातार, जिस दिन से भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर आपदा आई है, लगातार वो स्वयं जो है मॉनिटरिंग वहाँ से भी कर रहे हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं। कल भी उन्होंने दूरभाष पर पूछा था कि राहत कार्य कैसे चल रहे हैं, कितना राहत हो गया है, कितने लोगों की स्थिति है, कितना नुकसान हुआ है। तो लगातार वो हमारे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। माननीय गृहमंत्री जी भी बीच में आए थे और उन्होंने भी कहा है कि जो है हर तरफ वहाँ पर सर्वे की टीम भेजी गई है और उसने पूरा आकलन कर रही है। सर्वे करने के बाद राहत कार्यों में और तेजी आएगी, उसी के लिए बैठक कर रहे हैं। उधम सिंह नगर नानकमत्ता विधानसभा के सैकड़ों समर्थकों ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान नानकमत्ता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद सिंह राणा ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और अपने करीबी सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, और साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अच्छी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है। मेरे समर्थकों का सम्मान ना हो, निरादर हो,
उस पार्टी में देख नहीं सकता और आज मैं उस पार्टी से पार्टी में एंट्री कर रहा हूँ जिसके विचार मेरे से मिलते जुलते हैं। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।